फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए। देखें, ये फ्रेंड्स खबर है प्रयागराज से। मनीषा त्रिघाटिया, सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिखा है इसमें विषय को आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। फ्रेंड्स देखिएगा, ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा शासन आदेश संख्या वगैरह सब लिखा हुआ है डिटेल में कि स्थानांतरण से संबंधित क्या क्या संशोधन हुए हैं और इसकी तिथि क्या की गई है, वो सब आप स्क्रीन में आपको दिख रही है, देखिएगा फ्रेंड्स। और ये आज की अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसको। और आप जो परेशान थे कि सर इसमें मेरा फॉर्म गलत हो गया, ये भर गया, वो भर गया, इसमें ये मिस्टेक हो गई है, उन सब के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल, आप देखेंगे यहाँ पर ये आज ये विज्ञप्ति जारी हुई है, ये आपको फ्रेंड्स स्पष्ट नहीं दिख रही है, इसका मैंने स्पष्ट PDF बनाया है, आप देखेंगे। ये लिखा है कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, इसकी पूरी खबर देखें फ्रेंड्स, ये क्या क्या इसमें एडिट हुआ है, आप अपने फॉर्म में हुई करेक्शंस को, गलतियों को कैसे सुधारें, कैसे करेक्ट करें, और ये करेक्शन की साइड किस डेट से किस डेट तक खुली रहेगी, वो सारी जानकारी आप देखेंगे फ्रेंड्स। अब आपको स्क्रीन पर स्पष्ट बड़ा दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिएगा, ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी आ गई है। तो चलिएगा, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे ये निवेदन भी करेंगे, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, लिखा है कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, पत्रांक संख्या ये बेसिक शिक्षा परिषद 2019-20 दिनांक, शासन आदेश संख्या 2024/68/5/2019, ये आप देख लीजिएगा, TC नंबर ये। और लिखा है दिनांक 2/12/2019 के क्रम में अंतरजनपदीय पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु दिनांक 20/12/2019 से 20/1/2020 के मध्य वेबसाइट जो आपकी चल रही है उसमें क्या क्या है, वेबसाइट ये आपकी upbasiceduparishad.gov.in पर इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। और देखें इसमें क्या क्या है, अब इसमें जो संशोधन हो रहे हैं फ्रेंड्स, वो देखिएगा आपको स्क्रीन पे। संप्रति गतिमान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चल रहा है अभी इसमें, नंबर एक पर लिखा है संशोधन का विकल्प समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में त्रुटि की दशा, देखिए यहाँ जो सबमिट किए गए आवेदन में किसी त्रुटि की दशा में अपना आवेदन पत्र रीसेट करें। फ्रेंड्स यही बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपके में कोई त्रुटि हो गई है आवेदन में तो उसको रीसेट ऑप्शन खोला जा रहा है। आवेदन पत्र को रीसेट किए जाने के उपरांत एडिट ऑप्शन खुलेगा फ्रेंड्स, एडिट करते हुए अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकता है। और रीसेट विकल्प का प्रयोग आवेदक द्वारा मात्र एक बार ही किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे फॉर्म में आपकी 1, 2, 4 जो भी मिस्टेक्स हैं, आप रीसेट करके एडिट करेंगे, और लेकिन रीसेट करके एडिट करने का आपको सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा। और एडिट के उपरांत आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने के बाद पुनः फॉर्म को रीसेट नहीं किया जा सकता, ये बात अब अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। आपकी सहूलियत के लिए ये दिया गया है, एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। देखिएगा, नोट मैंने हाईलाइट करके दिया है ताकि आपसे आगे मिस्टेक ना हो। नोट में लिखा है संशोधन का विकल्प चुने जाने पर एडिट करने के उपरांत आवेदन पत्र को अंतिम रूप से OTP के माध्यम से सबमिट किया जाना होगा, यानी कि आपने जो फ़ोन नंबर दिया उस पर एक OTP आएगा और आपसे पूछेगा आप श्योर हैं तो फाइनल सबमिट करिए,
अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन या आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। नंबर टू पे देखेंगे लिखा है यहाँ पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु भाषा विज्ञान गणित, ये प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है फ्रेंड्स, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों जो भी हैं भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं है। जैसा कि आप बार बार मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे सर मैं सब्जेक्ट्स का हूँ तो क्या मेरा ट्रांसफ़र उसी सब्जेक्ट के टीचर के लिए होगा, तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक अगर ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो उनके विषय से कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी विषय से हों कोई भी स्ट्रीम हो आपकी। आगे देखेंगे उनके द्वारा अपने समान पद में कार्यरत अध्यापकों से पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण किया जा सकता है। समान पद से मतलब आप सहायक अध्यापक हैं तो सहायक अध्यापक के पद पर और हेड मास्टर हैं तो हेड मास्टर के पद पर। आगे देखेंगे फ्रेंड्स तीन नंबर पॉइंट पे लिखा है अंतिम रूप से सबमिट आवेदन पत्र को निर्धारित तिथियों के मध्य संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए गए अंतिम आवेदन पत्र पर ही काउंसलिंग में प्रतिभाव करेंगे। आपने लास्ट में जो आवेदन पत्र सबमिट किया है उसी के अनुसार आपकी काउंसलिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रतिभाग करना होगा। फोर नंबर पर देखेंगे फ्रेंड्स लिखा है ये महत्वपूर्ण बात है इसको समझिएगा आप जनपद बागपत एवं बाराबंकी में रिक्तियां उपलब्ध होने के कारण इन दोनों जनपदों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा नवीन रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसी उपलब्ध हो गई हैं तो अब आप यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं अब वो चाहें तो नया रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फाइव नंबर पर फ्रेंड्स देखिएगा लिखा है प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों द्वारा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर स्थानांतरण हेतु आवेदन किया जा सकता है। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नोट कर लीजिएगा आप प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर पद पर कार्यरत अध्यापक है और द्वारा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर स्थानांतरण हेतु आवेदन किया जा सकता है। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप। आगे देखिए लिखा है किया जा सकता है जिनके द्वारा पूर्व में अपना आवेदन भरा जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स आगे लिखा है उपर्युक्त कार्रवाई के दृष्टिगत अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20 जनवरी 2020 को बढ़ाते हुए फ्रेंड्स देखिएगा ये डेट बढ़ाई जा रही है को बढ़ाते हुए ऑनलाइन आवेदन संशोधन हेतु ये डेट हाईलाइटेड है फ्रेंड्स देखिए 22 जनवरी 2020 से 28 जनवरी 2020 निर्धारित की जा रही है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु काउंसलिंग का आयोजन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्रों के परीक्षण सत्यापन का कार्य दिनांक इस डेट को चलेगा देखें 30 जनवरी 2020 से 5 फरवरी 2020 के मध्य किया जाएगा। शेष समय सारणी यथावत रहेगी जो पूर्व में आपका विज्ञापन था उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। स्थानांतरित जनपद में यानी कि सीनियरिटी संबंधी शपथ पत्र एवं पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु सहमति पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर उधर की अनर्गल बातों पर भरोसा ना करें आप साइट से upbasic.edu.parishad.gov.in से आप संबंधित प्रमाण पत्र जो भी आपको प्रारूप चाहिए वहाँ उपलब्ध है वहाँ से डाउनलोड करें जिसे संबंधित अध्यापकों द्वारा निर्धारित तिथियों में संबंधित कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। शेष नियम व शर्तें शासन आदेश दिनांक 2/12/2019 एवं पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 20/12/2019 एवं 8 जनवरी 2020 के अनुरूप होगी। बाकी अन्य कोई संशोधन नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ये श्रीमती रूबी सिंह सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा खबर है फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी ये खबर शेयर करें और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स आप समय रहते आपको मिल सके और मैं इस तरह आपकी मदद करता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।